रहमान रहीम, वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल इमरान पिताफी ऑफिशियल। तो आप लोग बड़े खूबसूरत कमेंट्स करते हैं मेरी वीडियोस के नीचे, मैं कोशिश करता हूं सारे कमेंट्स पढ़ूं, उनका जवाब दूं, लेकिन बाज़ दफ़ा जो है कुछ सवालात इस नौयत के होते हैं जिन पे प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे दोस्त जो अक्सर आजकल सवाल कर रहे हैं वो ये सवाल कर रहे हैं कि इमरान भाई, आप इतना लंबा लंबा ट्रैवल करते हैं, 5-5, 6-600 किलोमीटर एक दिन में करते हैं, तो आप जो है बाइक की सीट के साथ क्या इंतजाम करते हैं कि आप जो है इतना ट्रैवल कर पाते हैं। पहली बात तो ये है कि दोस्तों, मैं एक बाइक पे सफ़र नहीं करता, मैं बाइक चेंज करता रहता हूँ अक्सर बेशतर। मेरे पास 1-5 होता है, मैंने सीडी पे भी किया है सफ़र। तो इनमें जो है ना, एक चीज़ कॉमन है वो ये है कि मैं सीट के लिए सीट पर कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं करता। अक्सर आपने हमारे दोस्त देखे हैं जो फोम चेंज करवाते हैं, एक्स्ट्रा कुशन लगवाते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मैं इनमें से कुछ नहीं करता। मेरे पास एक लाजवाब टोटका है, वो आप में से कोई दोस्त भी कर सकता है, इंतहाई सस्ता, इंतहाई मुफीद, और उसके बाद आप 400-500-600 किलोमीटर तक बड़े आराम से सफ़र कर सकते हैं, आपको ज़रा भी थकन का एहसास नहीं होगा। थोड़ा सा यूज़ टू होना पड़ेगा, लेकिन एक बार फिर मैं इस बात को दोहराता हूँ अपने तमाम दोस्तों के लिए कि ये एक बेहतरीन नुस्खा है, लाजवाब नुस्खा है। जो लोग लॉन्ग ट्रैवल्स करना चाहते हैं, बड़े टूर्स करना चाहते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा कि वो इस नुस्खे को लाजमी आजमाएं, इस चीज़ को लाजमी अपने पास रखें, इसको यूज़ करें। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सफ़र होगा, बिल्कुल थकान नहीं होगी, लंबे लंबे ट्रैवल आप बड़े इजीली कर सकेंगे। तो अब मैं चलता हूँ अपनी बाइक की तरफ और आपको दिखाता हूँ कि वो नुस्खा क्या है। तो आज मेरे पास कोई और बाइक मौजूद नहीं थी, तो मैं आपको CD70 पर ही बताता हूँ कि आप ट्रैवल्स को किस तरह ईजी कर सकते हैं, सफ़र को किस तरह आसान कर सकते हैं और सीट को किस तरह नरम कर सकते हैं। अब ये सीट देख रहे हैं, ये काफ़ी सख्त है और 1-5 की सीट भी इसी तरह होती है। GS150 के बारे में बहुत सी शिकायतें सुनी गई हैं कि उसकी सीट भी बहुत सख्त होती है, मगर मैं जो आपको टोटका देने जा रहा हूँ वो इंशाल्लाह तमाम सीटों पर जो है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और आपके लिए सफ़र इंतहाई आसान हो जाएगा। तो हम लोग करते क्या है, मैं ये करता हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये मेरे हाथ में ट्यूब, ये बेसिकली रिक्शे की ट्यूब है जो कि आपको किसी भी दुकान से बड़े आसानी मिल सकती है। आप रिक्शे की ट्यूब लें, उसमें हवा भरें, हवा भरने के बाद उसको बाइक पे इस तरह रख दें, इस तरह रखेंगे और उसके साथ उसको बांध लें। मैं रस्सी के साथ बांधता हूं, चूंकि मैं बाइक चेंज करता रहता हूं इसीलिए मैं एक सेटअप कर नहीं सकता, लेकिन अगर आप एक ही बाइक पर सफ़र करते हैं और आपके पास एक ही बाइक है तो आप इसके लिए कोई मुस्तकिल बुनियादों पर भी इंतज़ाम कर सकते हैं, कोई इस तरह की सेटिंग कर सकते हैं जो खोलने में बहुत इजी हो और लगाने में। तो इस ट्यूब को इस सीट पर रखें, इसको जो है आप बांध दें घुमाकर दोनों साइड से। बांधने के बाद आप इसके ऊपर बैठ कर जो है ना ट्रैवल करें। मैंने मुल्तान से नथिया गली तक सफ़र किया है एक दिन के अंदर, वहाँ से वापसी का सफ़र किया है एक दिन के अंदर, मैंने भावलपुर से आगे का सफ़र किया है, तकरीबन आना जाना 600 किलोमीटर बड़ा इजीली होता था। तो ये है वो टोटका, शानदार किस्म का, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। जितने भी ट्रैवलर हैं मेरे इस बात को समझें, ये रिक्शे की ट्यूब खरीदें, उसमें हवा भरें और उसके बाद जो है इसको बाइक के ऊपर आप बांध दें, इसके ऊपर बैठ के सफ़र करें। शुरू में थोड़ा आपको तंग करेगी, एडजस्टमेंट मुश्किल होगी, लेकिन जैसे ही आप एडजस्ट हो जाएंगे दैट विल बी ईजी फॉर यू, बहुत ही आसान सफ़र हो जाएगा। ये किसी भी बाइक पर रखा जा सकता है, अक्सर ट्रैवलर ये कर भी रहे हैं, आपने व्लॉग्स में और तस्वीरों में देखा होगा। तो इस नुस्खे को आजमाएं, इंशाल्लाह ये आपके लिए सफ़र को बहुत आसान करेगा। मैं आपको सीडी पे दिखा रहा हूँ, आप किसी भी बाइक पे कर सकते हैं। होपफुली कि आपके इस सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। आपका दीगर सवाल हो तो वो भी आप कमेंट्स में करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उन पर भी जो है ना तफसीली वीडियो बनाकर आपको जवाब दूँ। शुक्रिया। और जिन लोगों दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। शुक्रिया।